दोस्तों, अवामी चैनल इंडिया में आप सभी का स्वागत है। इस्तकबाल है, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए बात करते हैं निर्भया स्क्वाड्स को लेकर के। चार दीवारी में निर्भया स्क्वाड्स की द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। बड़ी चौपड़ से सुबह 9 बजे ADCP सुनीता मीणा के नेतृत्व में निकाली गई फ्लैग मार्च। बड़ी चौपड़ से करीब 50 मोटरसाइकिलों पर हाथों में तख्तियां लेकर, जिन पर कोरोना से बचाव के स्लोगन लिखे हुए थे, हाथों को धोना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, मास्क लगाना, 1 मीटर की दूरी बना करके बात करना, घर पर रहें, स्वस्थ रहें जैसे स्लोगनों के साथ में टीम रवाना हुई रामगंज घाट गेट तोपखाना हुसूरी पहाड़गंज लक्ष्मी नारायणपुरी हिदा की मोरी होते हुए चार दरवाज़ा सुभाष चौक से जौहरी बाजार, बापू बाजार, चौड़ा रास्ता, त्रिपोलिया बाजार और चांदपोल बाजार होते हुए वापस बड़ी चौपड़। सभी बाइकों के सायरन बज रहे थे। ADCP सुनीता मीणाना व SI सुनीता दोनों माइक के जरिए ऐलान करती हुई नजर आई और लोगों को समझाइश बतौर उन्होंने कहा कि घरों पर रहें, स्वस्थ रहें, पुलिस आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर है, मेडिकल की टीम के लिए सपोर्ट करें, उनका सहयोग करें, घर में कोई बीमार हो तो उसको छुपाएं नहीं। इस तरीके के स्लोगन के साथ में और माइक के ऐलान के साथ में पूरी टीम ने पूरी चार दीवारी का सर्वे किया। सुनीता मीणा ने बताया है कि निर्भया स्क्वाड्स की 200 पुलिस महिला कर्मियों द्वारा लोगों को कोरोना से बचाव का संदेश दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि निर्भया स्क्वाड्स पूरे शहर भर में घूमती रहती हैं, महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए सभी कर्मी मार्शल आर्ट की माहिर हैं और उनकी बाइकों में पूरा इंतजाम किया गया है, हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार रहती हैं। फ्लैग मार्च के जरिए लोगों को बचाव के तरीके तख्तियों पर लिखने का संदेश दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सुरक्षित रहना है, सुरक्षित चाहते हैं तो घर पर रहें, और कर्फ्यू नहीं, केयर फॉर यू है, आपकी सुरक्षा ही पुलिस की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अपनी जान को खतरे में डालकर पुलिस कर्मी आम जन की सुरक्षा कर रही है, तो आम जन का भी फर्ज है कि पुलिस का सहयोग करें और डॉक्टर्स की टीम जो चेकअप के लिए आ रही हैं उनको पूरा सहयोग करें जिससे कि कोरोना वायरस से लड़ सकें। जयपुर के कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र के अंदर निर्भया स्क्वाड टीम पूरी मुस्तैदी के साथ में अपना फर्ज निभा रही है और लोगों को जागरूक और अलर्ट बजा रही है कि अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सुरक्षित रह घर में रहेंगे तो सुरक्षित रह पाएंगे, वरना हम इस बीमारी से नहीं लड़ पाएंगे। इस वक्त हमारे साथ में जो मौजूद थी यहाँ पर सुनीता मीणा साहिबा, जो यहाँ पर पूरी स्क्वाड टीम के साथ आगे चल रही, पूरी गाइडेंस के साथ में लोगों को ऐलान करती हुई जा रही हैं कि लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। और इनकी आज हालांकि करीब 100 से ज़्यादा निर्भया टीम की जो इनके पुलिस कर्मियाँ हैं वो यहाँ है। यहाँ पर इस वक्त में जो है ड्रोन भी उड़ाया जा रहा है, देख सकते हैं आप इस वक्त में कि रामगंज में ड्रोन की प्रैक्टिस भी की जा रही है। साथ में पूरी जितनी आप देख रहे हैं कि निर्भया स्क्वाड्स की टीम जितनी भी है, आप देखिए कि ये जितने भी लेडीज़ हैं, पुलिस कर्मी हैं, वो अपनी जान को जोखिम में डाल करके ये काम कर रही हैं। इसलिए सभी से ये अपील की गई है कि अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, जब घर में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि ये बीमारी एक है, आपदा इस वक्त आ चुकी है, उसको लड़ने के लिए ही ये पुलिस पूरी अपना काम फ़र्ज़ अपने निभा रही है। हमें चाहिए, हमारे जितने भी लोग हैं उनको चाहिए कि अंदर रहे और सुरक्षित रहे। हालांकि कर्फ्यू के लिए उन्होंने बताया, कर्फ्यू नहीं है, केयर फॉर यू है, यानी आपकी सुरक्षा के लिए है, और जब आप सुरक्षित रहेंगे तो देश शुरू से सुरक्षित रहेगा, हमारा समाज सुरक्षित रहेगा, जब आप सुरक्षित रहेंगे तो ना देश सुरक्षित रहेगा ना समाज सुरक्षित रहेगा। देखते रहिएगा अवाम इंडिया आपके साथ। जी मैम, बताइए किस तरीके की आज आप लोग एक मार्च कर रहे हैं? आज निर्भया स्क्वाड यानी कि महिला गश्ती दल, जयपुर पुलिस का महिला गश्ती दल है, जो कि आज पूरे जयपुर में और ख़ास तौर पे कर्फ्यू वाले क्षेत्र में हम लोग फ्लैग मार्च कर रहे हैं। और इसके पीछे कारण यही है कि हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि आप अपने घरों में रहिए, आप अपने घरों में रहेंगे तभी हम इस कोरोना की जंग से जीत पाएंगे। हम लोग निभा रहे हैं अपनी जिम्मेदारी, आप लोग बस अपना ख्याल रखना, हर ज़रूरतमंद के घर पहुंचेगी वर्दी हमारी, हर ज़रूरतमंद के घर
पहुंचेगी वर्दी हमारी, बस आप लोग घर से बाहर मत निकलना। यही संदेश हम लोग सब जगह पहुंचाना चाहते हैं और महिलाओं की ये टीम आपके लिए तत्पर है। हम सदैव सेवा के लिए रेडी है और जयपुर पुलिस कल भी आपके साथ थी, आज भी आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहेगी। आपको कोई भी परेशानी है तो आप कंट्रोल रूम पर सूचित कर सकते हैं, आपकी हर समस्या का समाधान होगा। बस आप घरों में रहिए, आपकी जितनी भी जो व्यवस्थाएं हैं वो सब प्रशासन ने कर रखी है। आपके यहाँ पर अभी सर्वे की टीम आएगी, जो डॉक्टर्स की सर्वे की टीम लगाई गई है वो आपके घरों पे आएगी। कृपया उनको सपोर्ट कीजिएगा और जो भी सच्चाई है वो बताइएगा, ताकि हर एक व्यक्ति को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकें और इस कोरोना को जड़ से समाप्त कर सकें। आप लोग हर सूरत में हमारी मदद कीजिएगा, ये कर्फ्यू नहीं, केयर फॉर यू है। आपकी केयर करने के लिए ही, आपको सुरक्षित रखने के लिए ही हमने ये कर्फ्यू लगाया है। आपकी सुरक्षा ही हमारी प्राथमिकता है। तो आप लोगों से पुनः निवेदन कि आप लोग घर में रहिए, आप घर में रहेंगे तो हम सब सुरक्षित रहेंगे। हम आज अपने परिवार को छोड़कर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, क्योंकि ये हमारा फर्ज है। आप भी अपना फर्ज पूरा कीजिए, अपने घरों में रहिए। मैम, क्या आप स्लम एरियाज या जहाँ पर जैसे कच्ची बस्तियाँ हैं, क्या उन एरियाज में भी इस तरीके का मार्च करेंगे, जिससे कि उन लोगों में बिल्कुल जन जागरूकता के खातिर हम पूरे जयपुर में मार्च करेंगे, ताकि हर व्यक्ति को हम जागरूक कर सकें। ये महिला जो गश्ती दल है जयपुर पुलिस का पार्ट है, यानी कि ये निर्भया स्क्वाड के नाम से जाना जाता है। और ये आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये 200 महिलाओं का एक स्क्वाड है। 200 महिलाएं हमारे स्क्वाड में शामिल हैं, इनके पास में 50 मोटरसाइकिल हैं जो कि वेल इक्विप्ड हैं, इनके अंदर पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगा हुआ है, इनके पास में हथियार है और ये लोग पूर्ण रूप से दक्ष हैं मार्शल आर्ट में भी, हथियार चलाने में भी। ये बड़ी पैर के रूप में इनको हमने बीट बांटी हुई है, हर क्षेत्र में ये आपको गश्त करती हुई नजर आएंगी। इनका मुख्य काम महिलाओं को, बच्चों को और बुजुर्गों को सहायता प्रदान करना है। आप निश्चिंत रहिए, निर्भया स्क्वाड की टीम भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है और हर सुरक्षित वातावरण देने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे और हरदम आपके साथ रहेंगे। आप मान के चलिए, इस जंग को हम हर सूरत में जीत जाएंगे। आपको भी विश्वास है और हमें भी विश्वास है, बस जरूरत है कि आप घर में रहिए।